गुजरात रिफाइनरी के कर्मचारियों द्वारा पिछले 3 दिनों से जारी किए गए उपवास आंदोलन हड़ताल की कामगिरी के चलते आज एक कर्मचारी की हालत बिगड़ते हुए कर्मचारियों में भारी भागदौड़ी मची थी। गुजरात रिफाइनरी के कर्मचारियों द्वारा पिछले 3 दिनों से न्याय की गुहार लगाते हुए और अपनी मांगों को लेकर उपवास आंदोलन के साथ हड़ताल पर बैठे हैं। तो वहीं गुजरात रिफाइनरी मैनेजमेंट की ओर से कर्मचारियों के हित में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। तो वहीं कर्मचारी द्वारा अब न्याय की गुहार लगाते हुए गुजरात रिफाइनरी के बाहर गेट पर ही उपवास आंदोलन जारी करते हुए अमरनाथ उपवास पर बैठे हैं, जिसमें से आज एक कर्मचारी की हालत बिगड़ते हुए कर्मचारियों में भारी भगदौड़ी मची थी। अपने न्याय और मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से यानी कि 30 घंटे का अधिक का वक्त गुजर जाने के बावजूद गुजरात रिफाइनरी मैनेजमेंट द्वारा कर्मचारियों के हित में अभी तक कोई भी तसल्ली और कामगिरी नहीं की गई। ऐसे में अमरनाथ उपवास पर बैठे वैसे राजेश सोलंकी नामक कर्मचारी की हालत बिगड़ते हुए कर्मचारियों में भारी भगदौड़ी मची थी। तो वहीं आज लेबर ऑफिसर के साथ मीटिंग तय करने के बावजूद उसे मुलतवी करते हुए कल दोबारा से बैठक की जाएगी। गुजरात रिफाइनरी में पिछले 2 दिनों से न्याय के लिए अमरनाथ उपवास पर बैठे वैसे सफाई कर्मचारी और माली कामदारों में से आज एक कर्मचारी की हालत बिगड़ते हुए तत्काल उन्हें अस्पताल के लिए रवाना करने की कवायद जारी की गई। लेकिन उपवास आंदोलन पर बैठे वैसे कर्मचारी ने जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे किसी भी प्रकार की अस्पताल की इलाजी प्रक्रिया नहीं लेंगे, वैसा हुंकार किया था। तो वहीं कर्मचारी के परिवार ने भी आंदोलन स्थल पर बैठते हुए परिवार स्वजन को भूख हड़ताल पर बैठ देखते हुए काफी रुदन के साथ आक्रोश गुजरात रिफाइनरी के प्रति व्यक्त किया था, जहां आगेवान वैसी जोगेश्वरी माउराल द्वारा भी गुजरात रिफाइनरी द्वारा की जाती अपनी बेरुखी भरे बर्ताव प्रति नाराजगी व्यक्त की थी। भाई हमारे समाज ना दीकराओ आज तंत्र दिवस आज चौथो दिवस केलो था त्रीजो दिवस आज थयो छे आ हड़ताल पर आ दीकराओ मरवा बैठा छे पण छता आ अधिकारी ना पेट नु पानी हालतु नथी। आ दीकराओ अमारा मरी जशे समाज ना दीकराओ एमना बाळकोनु शुं थशे एमना परिवारनु शुं थशे मां बापनु शुं थशे पति पत्नीनु शुं थशे એટલે આ રિફાઇનરી આજ તક સુધી હજુ ધ્યાન આપી નથી। હા તો એના માટે અમે મળવા આવ્યા છે તાત્કાલિક આ ભારતીય વાલ્મિક મંચ તરફથી અમે આવ્યા છે અને ભારતીય વાલ્મિક મંચ એમની સાથે છે। 22-22 થી 25-25 વર્ષ સુધીના નોકરા 30-30 વર્ષ થઈ ગયા છે સુધી કોઈને કાયમ કરવાની આ લોકોએ જહેમત ઉઠાવી નથી। સરકાર તરફથી અમે ખૂબ માંગણી કરી છે પણ આ સુધી આ લોકોને ન્યાય મળ્યો નથી અને અત્યાર સુધી આ લોકોને આવી રીતે જ છે ને રિટાયર કરી દે છે, કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર જ રિટાયર કરી દે છે આ લોકો અને સમાધાન આ લોકો કશું લાવતા નહીં। જ્યારે જ્યારે કોર્ટમાં કેસ જીતીએ છીએ છતાંય આ લોકો એમ કહે છે કે આ હવે તમારું બધું થઈ જશે ને પછી કશું થતું નથી આ લોકો